हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माय स्मार्ट ट्रिक। दोस्तों, आज हम फिर से लाए आपके लिए टॉप जीके के 25 क्वेश्चन जो ग्रुप डी के पिछले वर्ष एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद न करते चलते सीधे प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, 20 मीटर/s के वेग से चल गति कर रहे 50 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा। दोस्तों, इस तरह का प्रश्न हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो है 20 मीटर/s और ये 50 kg, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर आ जाता है, और इसका आंसर होगा 1000 kg/s। ठीक है, इसका आंसर होगा 1000 kg/s। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण क्या है। दोस्तों, जो समस्थानिक होता है किसी तत्व का, उसका गुण क्या क्या होता है। दोस्तों, उसका पहला गुण ये होता है कि उसका परमाणु क्रमांक समान होता है, उसका परमाणु क्रमांक जो है वो समान होता है। दूसरा गुण यह है कि उसका भौतिक गुण भिन्न होता है, यानी कि उसका भौतिक गुण है वो अलग अलग होता है। और दोस्तों, इसका तीसरा जो महत्वपूर्ण गुण है वो होता है रासायनिक गुण समान होता है, इसका जो समस्थानिकों का रासायनिक गुण समान होता है। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है हमारा, कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ स्थित है। कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ स्थित है। दोस्तों, इसका आंसर होगा कर्नाटक में स्थित है। और दोस्तों, ये जो कोलार गोल्ड फील्ड है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये सोना के लिए प्रसिद्ध है, ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, चौथा प्रश्न देखेंगे, बादलों के गर्जन के दौरान क्या होता है। बादलों के गर्जन के दौरान ऊर्जा का किसमें रूपांतरण होता है। देखते हैं, जो इसमें गतिज ऊर्जा होता है जो बादलों के गर्जन में, वो प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। बादलों के गर्जन के दौरान गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, राजीव गांधी क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में स्थित है। राजीव गांधी क्रिकेट ग्राउंड किस राज्य में स्थित है, सॉरी किस शहर में स्थित है। दोस्तों, इसका आंसर होगा हैदराबाद में। दोस्तों, एक और प्रश्न पूछता है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है। दोस्तों, हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। ठीक है, हैदराबाद का जो जुड़वा नगर है वो है सिकंदराबाद। दोस्तों, छठा प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है। दोस्तों, भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों, उसका आंसर होगा दल बदल कानून से। और दोस्तों, दल बदल कानून भारत के संविधान के किस अनुसूची में है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 10वीं अनुसूची में। और दोस्तों, एक प्रश्न और पूछता है कि दल बदल कानून को भारत के कौन से संविधान संशोधन में भारत के संविधान में जोड़ा गया था। दोस्तों, इसका आंसर होगा 52वें संविधान संशोधन में, और 52वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1985 ईस्वी में। दोस्तों, सातवें प्रश्न को देखेंगे, भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति के मापन के लिए किस सूचक का प्रयोग किया जाता है। भारत में जो हेडलाइन मुद्रास्फीति है के मापन के लिए किस सूचक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका आंसर होगा WPI। WPI का दोस्तों पूर्ण रूप होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI का जो पूर्ण रूप होता है, फुल रूप होता है उसका, वो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो हिंदी में बोला जाता है इसको थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है दोस्तों, आठवां प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, इसका आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। दोस्तों, इससे एक संबंधित और प्रश्न पूछता है कि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, जो कि बॉम्बे में स्थित है, वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो है AO ह्यूम, और AO ह्यूम ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में व्योमेश चंद्र बनर्जी को नियुक्त किया था। तो दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों, जो कोशिका का एक समान दूसरी संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों, इसका आंसर होगा द्विखंडन। ठीक है, इसका आंसर होगा द्विखंडन। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों का लिंग किससे प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। बच्चों का लिंग किससे प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। दोस्तों, इसका आंसर होगा पिता। दोस्तों, इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछता है, जैसे गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है। दोस्तों, उसका आंसर होगा जीनोम, उसे जीनोम कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, प्लैटिनम जो है वो किस अवस्था में पाया जाता है। प्लैटिनम किस अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों, इसका आंसर होगा मुक्त अवस्था में। दोस्तों, प्लैटिनम को ही सफ़ेद सोना कहा जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। दोस्तों, इसका आंसर होगा प्लैटिनम। दोस्तों, 12वां प्रश्न देखेंगे, शकरकंद का बेल कैसा पौधा है। शकरकंद का बेल एक द्विबीजपत्री पौधा है। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको जान लेंगे, द्विबीजपत्री में कौन कौन से पौधे आते हैं जो कि एग्जाम में पूछ सकता है अगले बार चेंज करके। तो दोस्तों, द्विबीजपत्री पौधों में आता है शलजम, नींबू, कपास, मूली, करेला, मिर्च, सेब, नाशपाती इत्यादि जो है द्विबीजपत्री पौधों के उदाहरण है।
ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं एक बीजपत्री पौधे को। दोस्तों एक बीजपत्री पौधों में गेहूं, मक्का, गन्ना, प्याज, चावल या धान, खजूर, ताड़ आदि आता है, ठीक है। दोस्तों द्विबीजपत्री का अर्थ होता है वैसे बीज जिसमें दो पत्र होते हैं, और एक बीजपत्री का अर्थ होता है कि वैसे बीज जिसमें केवल एक ही पत्र होता है। तो दोस्तों देखते हैं 13वें प्रश्न को। जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक हैं? जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो किस प्रकार के उत्तक है? दोस्तों इसका आंसर होगा जटिल अस्थायी उत्तक, ठीक है। दोस्तों जटिल अस्थायी उत्तक उसको कहा जाता है जो ए दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दोस्तों देखते हैं 14वें प्रश्न को। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट राजाओं ने कहाँ अधिकार करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया? हर्षवर्धन के मृत्यु के पश्चात ये जो वंश हैं उनके राजाओं ने कहाँ पर अधिकार प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया? दोस्तों इसका आंसर होगा कन्नौज। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए इन राजाओं ने एक दूसरे के साथ युद्ध किया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, OTEC पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परतों और गहरी परतों के बीच तापांतर कितना होना चाहिए? दोस्तों जो OTEC पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्रों के ऊपरी परत में जो तापक्रम होता है और समुद्र के जो निचले परत में जो तापक्रम होता है, दोनों में कितना डिफरेंस होना चाहिए? दोस्तों इसका आंसर होगा 20 डिग्री सेल्सियस का। इसका आंसर होगा 20 डिग्री सेल्सियस का। दोस्तों 16वां प्रश्न देखेंगे। संवेग पी और द्रव्यमान एम वाली किसी वस्तु का वेग क्या होगा? संवेग पी और द्रव्यमान एम वाली किसी वस्तु का वेग क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा P/m। इसका आंसर होगा P/m यानी कि संवेग बटा में द्रव्यमान इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं 17वें प्रश्न को। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में खाली स्थान ऊर्जा होती है, ठीक है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा होती है, कैसी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों उसका आंसर होगा अधिक ऊर्जा होती है। दोस्तों 18वें प्रश्न को देखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसका आंसर होगा 14 जनवरी 1761 को। पानीपत की जो तीसरी युद्ध हुई थी वो सॉरी 14 जनवरी 1761 को हुआ था, और ये मराठा और अफगानों के मध्य हुआ था, जिसमें मराठों का नेतृत्व किया था सदाशिव राव भाऊ ने, और अफगानों का जो नेतृत्व किया था वो अहमद शाह अब्दाली ने किया था। और दोस्तों इस युद्ध का परिणाम ये था कि इसमें मराठों का पराजय हुआ था। दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और दोस्तों पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था, और जिसमें अकबर और हेमू के मध्य युद्ध हुआ था। और दोस्तों हेमू का जो पूरा नाम था वो था हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है। हेमू का पूरा नाम जो था वो था हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, गैसों के कणों में गतिज ऊर्जा कैसी होती है? गैसों के कणों में गतिज ऊर्जा कैसी होती है? दोस्तों इसका आंसर होगा अधिकतम होती है। दोस्तों 20वें प्रश्न को देखेंगे। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो किसको दिया जाता है? दोस्तों ये इसका आंसर होगा एशियाई व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार एशियाई व्यक्तियों को पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 21वें प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं 22वें प्रश्न को। मीथेन का अणुभार क्या होगा? मीथेन जो गैस है उसका अणुभार कितना होता है? दोस्तों इसका आंसर होगा 16। दोस्तों मीथेन का जो रासायनिक सूत्र है वो है CH4, और मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों 23वें प्रश्न को। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाए तब क्या होता है? जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब इस क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों इसका आंसर होगा ब्रोमीन गैस बनती है। सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब ब्रोमीन गैस बनती है। तो दोस्तों देखते हैं 24वें प्रश्न को। दोस्तों हमारा 24वां प्रश्न है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नामक फिल्म किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है? एक मूवी है दोस्तों द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, जिसके वो किस प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में है? दोस्तों इसका आंसर होगा श्रीनिवास रामानुज। इसका आंसर होगा श्रीनिवास रामानुज। दोस्तों देखते हैं आज के आखिरी प्रश्न को, 25वें प्रश्न को। किसी खींचे हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? किसी खींचे हुए रबड़ में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? दोस्तों इसका आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। किसी खींचे हुए रबड़ में स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल बने बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।